और अफकोर्स आज हम जो बातें कर रहे हैं आज दिली नहीं कर रहा शो कर अप करने के लिए आज हमें तो कर देना था <laughs> हम इतना कुछ कहने के लिए है और सुनने के बहुत लिए बहुत कुछ है, बिल्कुल उसमें मजा आता ऐसा है की हम जितनी भी बात करें वो लगता है कि कमी कम है।, कम है और कम फिर जितनी अच्छी बातें हम पहुँचा सके हम डिस्कस कर सके क्योंकि ये वो बातें हैं जो सबको पता होती हैं मगर जब इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही होती है जैसे मैं अक्सर कहती हूँ जब हम मिलाद में भी होते हैं तो वो हम एक दूसरे को रिमाइंड करवाते हैं एक्सेसली ये एक होता है कि सब कुछ आता है लोगों को कोई ऐसी आउट ऑफ द नॉर्म बात नहीं है लेकिन जब हम ये कहते हैं तो सबको रिमाइंड हो जाता है एक तरह से हम रिव्यू कर लेते हैं बातों को और फिर उनमें से कोई चीज अच्छी अगर कोई पिक करके ले जाता है सकता अगर कोई पिक करके ले जाता है तो वो भी सच जा रही है तो वो खुद काम कर रहा उसकी भी उस उसके लिए तो सवाब है ही और जिसके कहने पे अगर उसको याद आ आएगा तो उसको और कर था। था। उसका सवाब उसको भी मिलेगा और जिसके उसने सुना जिसने सुना है उसको, उसको भी, भी।, भी। वही आज हम बात कर रहे थे आप हमारे व्यूअर्स के साथ मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई यही हम बात कर रहे थे कि औरतों का रोल और जैसे मैं अभी कह रही थी ब्रेक से पहले कि लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि भाई देखो ये तो ये कर रही है आई मीन द थिंग इज़ अगर कोई कुछ कर रहा है ख़ास तौर से जो अगर एक औरत कुछ कर रही है उसको एक इंक्रेजमेंट देनी चाहिए सपोर्ट एंड आई थिंक चाहे वो एक फ़ादर के रोल में चाहे वो एक हस्बैंड के रोल में

हमें बैक से सपोर्ट नहीं हो तो इस मामले में हमारे मेरे हस्बैंड ने बहुत हमेशा सपोर्ट किया है बिल्कुल और एक और, एक और और चीज़ मैं तो, कमीना तो नहीं है लेकिन आ, मिलाद के हवाले से कि जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा मिलाद करें आ, और मिलाद के बाद भी मैं नहीं कहूँगी आप घर में अपने कर सकते हैं दर्ज आप एक घर में गैदरिंग कर सकते हैं लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगी और दी अदर एंड मैं कह सकती हूँ चूंकि मैं साइड पर बैठी हुई हूँ लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं उसके अंदर एक रिस्पेक्ट रखें आप मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि चांद रात पे फॉर एग्जाम्पल चांद आदमी मेले में जाते हैं त्रावी के बाद अगर कहीं भी जाते हैं तो एक नफसा नफसी का आलम होता है एक कितने एक अजीब सा कि बच्चे भी कहते हैं ना वी डो वॉन्ट टू गो बिकॉज पीपल आर पुशिंग ओवर देयर एंड फॉर मी मैं तो आई क्या सारा अच्छी बात है बुरी बात है लोग चेहरा जान गए मेरा कल जहाँ जहाँ गई हुई थी तो उन्होंने कहा लुबना आप वो है ना जो आप शो करती हैं टी वी पर तो मैंने कहा जी बिल्कुल वही हूँ मैं तो उन्होंने कहा कि माशा बड़ा अच्छा आप शो करती हैं बढ़िया बातें लेके आती हैं ऐसे जिससे हम सीखते हैं तो है। कहने है। लगी मेरी बेटी भी आपका शो देखती हैं हालाँकि वो यहीं पैदा हुई हैं तो मैंने कहा वाह बिकॉज वो फिर अच्छा लगता है तो उस पर मैंने कहा तो कहने लगी कि आप एक बात करिएगा कि जब आप कहीं जाते हैं तो मैं मम्मी के साथ थी। तो कहने लगे कि आप उनसे लोगों से कहें कि जब वो कहीं जाते हैं चाहे वो नमाज के लिए जा रहे हैं खासतौर से ईद की नमाज के लिए या वो जा रहे हैं तरावी के लिए कि आप धक्के ना दें आप बिल्कुल और द, वो धक्के आप लाइन बना ली लाइन में अब क्या अगर इस्लाम का हम यहाँ इतना माशाल्लाह एक ऐसे मुल्क में रह के हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारा मुल्क नहीं है बुल्कुल. तो ये इतना हम इतने अच्छे तरीके से उसको करें तो उसको दूसरों के लिए इतना अच्छा बनाएं कि दूसरों के लिए इनकनविन इनकनवीनियंस ना, ना, ना हो और ये मैसेज मैं छोटा सा प्लानिंग नहीं थी मैसेज देने की लेकिन ये अरोनो के मैन के सेक्शन में क्या होता है लेकिन औरतों के सेक्शन में मेरा डिफरेंट है जो अगर कोई जानेगा मुझे तो फिर जरा सा वो और दिल बी नाइसर लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए मैं बात कहूंगी कि अगर आप कहीं तरावी में जा रहे हैं अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं बातें भी अगर आप थोड़ी देर बातें ख़त्म कर लेंगे या तो चुप हो जाके चुप होके सुन लेंगे तो उसमें बुराई नहीं है और सबसे बड़ी बात अगर आप बेटी को अपने लेके जा रहे हैं बेटे को लेके जा रहे हैं आप नमाज में ईद की नमाज की बात करें दस दिन में शायद ईद भी हो जाएगी तो फिर आप अपनी बेटी को भी जब बेटी देखेगी कि माम जो है वो बैठ के सेल्फियाँ खींच रही है या माम जो है बैठ के बातें कर रही है दोस्तों से फॉरन टैक्सिंग हो रही है तो आप क्या सकार? वो आपने जो किस्सा बताया तो तो था वो आप शेयर करें वो करेंगे हाँ। अब्दुल्का जलानी की आप बता रही थी कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई उनके पास के भाई ये गुड़ बहुत खाता है तो उन्होंने कहा तो इसको कोई नसीहत करे आपकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि इसको कल लिख आना तो अगले दिन लेके आई तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपने ये नहीं खाना तो उन्होंने उसको समझाया तो उन्होंने कहा ये बात आप कल भी कह सकते थे जब मैं लेके आई थी तो, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे मुँह में गुड़ था तो मैं जब वो काम खुद कर रहा हूँ मैं दूसरे को कैसे मना के? तो पहले मैंने खुद खुद को को मना किया को मना किया किया बिल्कुल नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गुड तो ये थोड़ा सा मैसेज था कि कुछ भी आप कर रहे हैं और कहीं भी रोल मॉडल की हम जो कुछ कर रहे हैं वो भी बच्चे हमें देख के अडॉप्ट कर रहे हैं बिल्कुल तो अगर हम खुद सिर्फ कहने से नहीं कि हम खुद नहीं खुद करेंगे तो बच्चे और ना सिर्फ बच्चे बल्कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं जब लोग हमें सुनते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जब लोग हमें सुनते हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी, है, भी है भी ऐसे hmm. hmm. नहीं है कि हम कुछ भी उठा के बोल दिया know, हमने, हमने, <laughs> हमने अपनी जो अपनी बातें हैं या हमने अपने व्यूज बता दी ऐसा नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग वेरी बिग फिर स्पेशली जब हम रिलीजियस की बात कर रिलीजन की बात करते हैं रिलीजियस स्पीच देते हैं hmm. या हम कोई ऐसा लेक्चर

खुद हम खुद उसको पहले करें बुल्कर, और फिर हम उस बात को आगे बढ़ाएं। अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों के हवाले से कि हम उनको कैसे सिखाएं क्या करें तो जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ जब मैं देखती हूँ सामने क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर वो इतनी हार्ड उर्दू बात कर रहे होते हैं या टीवी पर अक्सर जो उलमाए कराम होते हैं जो उनकी थोड़ा सा लेवल हायर होता है तो बच्चे उनको इसलिए इतनी अट्रैक्शन नहीं होती इससे ज़्यादा वो सुनने की यानी कि उनको समझ नहीं आती नहीं आती तो बुल्कुल. मैंने जब ये चीज़ यहाँ पर देखी और ऑब्जर्व की कि यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है ये है कि बच्चों को कैसे लाया जाए ओके तो इससे जै, बस जै, यही है कि हम उनके लेवल पे जाए उनके लेवल पे बिल्कुल चले डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने की शो को मैं आपका ऐसे करूँगी अगर आप हमारे लिए दुआ कर सकें और आप सब लोग भी जो सब घरों में देख रहे हैं अपने ये दस दिन रह गए बस बसमशाला ईद में या आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है तो ये दुआ के साथ आप भी दुआ कीजिए और करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझ से दुआ मांगती हूँ अता कर तु ने रही मी का, का दिला दे इला तुझ से तो मांगूंगी के से ना मांगूंगी तुझ से तू तो मां गूंगी के से मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ जो मुफले हैं उन दौलत अता कर जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर तू दामन हमारा मुरादों से बर दे मरीजों की खातिर शफा मांगती हूँ कर्म मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही हमेशा दो मसरूर रखना बलाओं से हमको सदा दूर रखना गरीबों की हालत पे अपना रहम कर कर्म की नजर से दुआ मांगती हूँ करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही में तुझ से दुआ मांगती हूँ हुआ है नमायूस ते रा सवाली फिरा है न कोई तेरे दर से खाली हम सब हुए हैं जमा तेरी खातिर मैं सबकी तरफ से दुआ मांगती हूँ कर्म मांगती हूँ आता मांगती हूँ yeah. चलें इन शह स्मानल और थैंक यू सो मच इन शी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी गई तो हमें याद रखिएगा अल्लाह